एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं जिस पे उसमें कुछ नैरो तो हुई हैं, लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होंगे, निगरान हुकूमतों के तहत होंगे, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक, तारीख का तायुन ना हो सका। इसहाक डार कहते हैं फरीकैन ने मौकफ में लचक दिखाई है, बजट से पहले कौमी असम्बली तोड़ने से बहुत पेचीदगियाँ होंगी। यूसुफ रजा गिलानी बोले, हमने कहा है जो भी इलेक्शन जीतेगा नतीजा मानेगा। तहरीक इंसाफ 14 मई को कौमी असम्बली तोड़ने की शर्त से पीछे हट गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्बत पेशरफ्त के लिए हुकूमत को वक्त देने पर तैयार हैं, मौजूदा हालात से निकलने के लिए पीटीआई की असम्बली में वापसी और वन टाइम तरमीम की तजवीज। कौमी तफाक राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज कबूल की। सियासी मुजाकरात, अदालती मामलात, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत अहम इजलास, पार्लियामेंट का मौसर इस्तेमाल जारी रखने पर इत्तफाक, ऐवान में मदाखलत की इजाजत न देने का आज़्म, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत, आसिफ अली सरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी बैठक लगी, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत, पार्लियामेंट और आईन के तहफ्फुज़ पर इत्तफाक। कानून को वायलेट किया है, उन्होंने आईन को वायलेट किया है। साकिब निसार साहब किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं लोगों के साथ और मुल्क के साथ जुल्म किए हैं, और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है वो नाकाबले बख्शिश है। कानून तोड़ा, आईन तोड़ा, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, साकिब निसार ने जो कुछ किया वो नाकाबले माफी है। मियां नवाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद, बोले साकिब निसार ने आईन की खिलाफ वर्जी की। शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी उन्हीं का नाम लिया। जंग लड़नी है तो फिर जंग हो, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। असेंबलियों ने अपना टाइम पूरा किया, दो असेंबलियों ने पूरा किया, तीसरी जो है पूरा करने की, लेकिन ये अदारा कोशिश कर रहा है टाइम पूरा ना। हथियार नहीं डालेंगे, जंग लड़ेंगे, अब किसी वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ने देंगे, पार्लियामान से ख्वाजा आसिफ का ऐलान, बोले ये इदारा नहीं चाहता असेंबली मुद्दत पूरी करे। हमें मुजाकरात का कहने वाले पहले अपने घर में पंचायत लगाएं, हमसे हिसाब मांगने वाले पहले हमें हिसाब दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स देने हैं, दे दें, स्पीकर भी अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करें, एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो आईन की पामाली का हिसाब ले। हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं, ये अपने पुरखों का हिसाब दें। वहां 15 आदमी बैठे हुए हैं आपस में लड़ रहे हैं, अपनी तो पहले पंचायत लगाए अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, अदलिया से हिसाब ले। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाए, जो जिंदा है उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना बरकरार, फुल कोर्ट तश्कील देने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया, सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी हुकूमत की कुछ हदूद है, ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आजाद अदलिया आईन का बुनियादी जज्व है, अदलिया की आजादी बुनियादी हक है, ये मुकदमा मुनफरिद नौइयत का है। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक तहरीरी जवाब तलब।
पाकिस्तान बार काउंसिल की जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की दरख्वास्त। हसन रजा पाशा ने कहा कि मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसे काम करने से नहीं रोक सकता। मुझ समेत अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रही हैं। बार ने इदारे का तहफ्फुज़ करना है, जजेस ने तो आना और चले जाना है। पार्लियामेंट आईनी इख्तियारात के तहफ्फुज के लिए आखिरी हद तक जाएगी, कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता, वफाकी हुकूमत का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा अदलिया का इख्तियार आईन और कानून की तशरीह करना है, रीराइट करना नहीं। मलिक अहमद खान बोले अब खुद नोटिस पर कोई खदगन नहीं लगाई जा रही। अतः तारड़ ने कहा कानून बनने से पहले ही बिल रोक दिया गया, मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है, दोहरा निजाम अदल नहीं चलेगा। एक तरफ पार्लियामान के इख्तियारात पर कदगन लगाई जाती है उसको नहीं माना जाता, दूसरी तरफ एक मखसूस सियासी पार्टी के लोगों को सहूलतकारी फराहम की जाती है। ये दोहरा निजामे अदल जिसमें पार्लियामान पर कदगन है मगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सहूलत है, ये इस मुल्क में चल नहीं सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती। जब आईन और कानून आपको इजाजत देता है और आप किसी बेंच पे सवाल या निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाएं, तनाज़ात खत्म करें। वज़ीर इत्तला'आत सिंह शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा, बोले कोई सियासी जमात अदालत को डिक्टेट नहीं करना चाहती, किसी बेंच पर सवालिया निशान उठता है तो फुल कोर्ट बनाकर तहफ़ुज़ात खत्म कर दिए जाएं। इमरान खान भी होश के नाखून लें। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है, मरियम नवाज का इल्जाम। पंजाब यूथ और खवातीन विंग्स के इजलास में कहा नौजवानों को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनज्जम साजिश को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। 121 मुकदमात, सब पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान की फिर कत्ल की साजिश की तकरार, बोले दो बार कत्ल करने की कोशिश की गई, तीसरे हमले का भी खतरा है। जिसकी थी तलाश वो ना आए हाथ, पुलिस और एंटी करप्शन ढूंढती रह गई और चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत ने 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, मुतालिका अदालत से रुजू की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एडिशनल डीजी एंटी करप्शन जाती हैसियत में तलब। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं छापे से एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, शरारत के पीछे निगरान वजीर आला पंजाब हैं। सिंध में आटा बहरान संगीन होने का खदशा, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कल तक मुतालिबात मंजूर न होने पर गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार कहते हैं जब गंदम मिल रही है तो हड़ताल का कोई जवाब नहीं। और गरीब है मुस्तहिक है तो आए, बेटियों की शादी मुफ्त में करवाए। कैटरिंग का खूबसूरत सामान, कुर्सियां, मेज, खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग एयर कंडीशन और फर्निश्ड हॉल्स, ये सब कुछ मैसर आएगा मस्जिद में। बुलेटिन में रिपोर्ट देखना न भूलिए।